मेरे प्यारे देशवासियों, इस बार बजट में स्वच्छ भारत के तहत गांवों के लिए बायोगैस के माध्यम से वेस्ट टू वेल्थ और वेस्ट टू एनर्जी बनाने पर जोर दिया गया। इसके लिए पहल शुरू की गई और इसे नाम दिया गया गोबर धन, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स। इस गोबर धन योजना का उद्देश्य है गांवों को स्वच्छ बनाना और पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट और बायोगैस में परिवर्तित कर उससे धन और ऊर्जा जनरेट करना। सुना आपने? अपनी तकरीर में मुअज्जिज वजीर आजम मोहतरम जनाब नरेंद्र मोदी जी ने गोबर से पैसा कमाने के मामले पर जोर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे हो सकता है। बहरहाल मवेशियों का फुजला यानी मवेशियों के गोबर और पेशाब का इस्तेमाल आमदनी में इजाफा करने के लिए हो सकता है, जबकि हमारे गांवों में गोबर से या तो लोग उपले बनाकर ईंधन के तौर पर उनका इस्तेमाल करते रहे हैं या फिर फसलों में खाद के तौर पर उनका इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ये हवा को आलूदा करता है, बल्कि गंदगी में पैदा होने वाले जहरीले कीड़े और बैक्टीरिया खतरनाक अमराज को भी जन्म देते हैं। लेकिन वजीरे आजम एक ऐसी स्कीम के नफाज की बात कर रहे हैं जिसमें मवेशियों के फुजले, गोबर, पेशाब, सूखे पत्ते, भूसा, सब्जियों के छिलकों वगैरह से भी पैसा कमाया जा सकता है। जी हां, इसीलिए मरकजी हुकूमत ने इस मंसूबे को गोबर धन मंसूबे का नाम दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर ये मंसूबा कैसे काम करेगा और कैसे इससे काश्तकार इस्तेफादा कर सकेंगे, तो चलिए आपको ये भी समझाते हैं। भारत एक ज़रई मुल्क है और हमारी 70% आबादी ज़िराअत पर मबनी है। गांवों में रहने वाले काश्तकार मवेशी भी पालते हैं और इनसे जो दूध मिलता है उससे पैसा कमाते हैं। ये दुरुस्त है कि मवेशियों से हमें दूध के साथ साथ गोबर और पेशाब के तौर पर फुजला भी मिलता है, जिसे कल तक हम फिजूल समझते थे, लेकिन आज इसी फुजले से मुनाफा कमाने के लिए मरकजी हुकूमत ने गोबर धन मंसूबा शुरू किया है। इस मंसूबे का खास मकसद देही वेस्ट टू वेल्थ और वेस्ट टू एनर्जी है, यानी गोबर जिसे बेकार समझा जाता रहा है उससे पैसे कमाना और तवनाई बनाना। जी हाँ, हुकूमत ने इस मंसूबे के तहत काश्तकारों को खुशहाल बनाने की एक ऐसी पहल की है जिससे मवेशी परवरी करने वाले काश्तकारों की आमदनी दुगनी होगी और उनकी माली हालत भी मजबूत होगी। गोबर धन मंसूबे का मकसद: गोबर से तवनाई की पैदावार, काश्तकारों को फायदा, साफ और तरक्की याफ्ता गांव, खुद मुनहसर भारत। अब हम आपको गोबर धन मंसूबे की खसूसियात और उससे मिलने वाले फायदों को आसान जबान में समझाते हैं। दरअसल भारत के दूर दराज गांव हों या पहाड़ी इलाके हों, मवेशी पालने की रिवायत सदियों से चली आ रही है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत ने गोबरधन मंसूबे के तहत मवेशियों के फुजले यानी गोबर, पेशाब, फसल के फुजला जैसे सूखे पत्ते, भूसा, खरपतवार और घरों से निकलने वाले ठोस कचरे से तवनाई पैदा करने का काम शुरू किया है। इस कचरे से बायोगैस बनाने का काम अंजाम दिया जाएगा। गोबरधन मंसूबे के तहत मुल्क के हर जिले में एक गाँव की निशानदेही की जाएगी, जहाँ एक क्लस्टर बनाया जाएगा। इस क्लस्टर में काश्तकारों से गोबर और दीगर फसल के फुजला खरीदे जाएंगे। हुकूमत का हदफ मुल्क भर में ऐसे 700 क्लस्टर बनाने का है। आप सोच रहे होंगे कि बायोगैस की पैदावार से काश्तकारों को कमाई का मौका कैसे मिलेगा। असल में बायोगैस प्लांट में गोबर और फसल के फुजले को खाम माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और जैसा कि हर कारखाने में खाम माल खरीद कर उससे कुछ खास सामान बनाया जाता है, ठीक उसी तरह हुकूमत काश्तकारों से खाम माल के तौर पर गोबर खरीदेगी और उससे तवनाई पैदा करेगी। इस तरह काश्तकारों की आमदनी में इजाफा होगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही गोबरधन मंसूबे की पहल की गई है ताकि गांवों को गंदगी के ढेरों से आजादी मिल सके
और गांव साफ सुथरे हो सके। इतना ही नहीं, गोबर से जिस बायोगैस की पैदावार होगी उसका इस्तेमाल भी देही इलाकों में खाना बनाने और रोशनी के लिए किया जाएगा। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन मंसूबा यानी गोबर धन मंसूबा 2021 के तहत हुकूमत का हदफ मुल्क के कई जिलों में बायोगैस प्लांट बनाने का है, जहां गोबर से निकलने वाली मीथेन गैस को सीएनजी में तब्दील कर इसका इस्तेमाल ईंधन और बिजली बनाने के लिए किया जाएगा। इससे काश्तकारों के साथ साथ छोटे सनअतकारों को भी फायदा होगा और मुल्क में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे, नौजवानों के लिए नौकरियों के नए मुतबादिर होंगे और भारत खुद मुनहसर होने की राह पर गामजन होगा। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे हमारे काश्तकार इस मंसूबे का हिस्सा बन सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसके लिए हुकूमत ने ऑनलाइन दरखास्त की सहूलत फराहम की है, बशर्ते के दरखास्त करदा गाँव का बाशिंदा होना चाहिए और वो पेशे से काश्तकार होना चाहिए। इसके अलावा आप इस मंसूबे से जुड़ने के लिए कुछ दस्तावेजात की मदद से पीने के पानी और सफाई के महकमे की सरकारी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन दरखास्त कर सकते हैं। इन दस्तावेजात में दरखास्त करदा का आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, रिहाइश का तस्दीक नामा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना लाजमी है। इस मंसूबे के तहत मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत 90% और 10% के तनासुब में फंड भी मुहैया कराएंगी। ये कुछ मुंतखब मकामात के बजाय सभी देहात और जिलों पर लागू होता है। ये बायोगैस प्लांट इंफ्रादी, फिरका जाति, सेल्फ हेल्प ग्रुप या गौशाला जैसे एनजीओ के लेवल पर कायम किए जा सकते हैं। इस वक्त इस मंसूबे के लिए मरकजी हुकूमत ने 115 जिलों का इंतखाब किया है, जिनमें मुख्तलिफ समाजी खिदमात में सरमायाकारी की जाएगी और उनकी रोल मॉडल के तौर पर तरक्की की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत सरकार का यह इनकलाबी मंसूबा गांव के लोगों को माशी खुद मुख्तारी की तरफ ले जा रहा है, उन्हें खुद मुनस्सर बना रहा है, उनकी कमाई की राह आसान बना रहा है, उन्हें साफ सुथरा माहौल फराहम करा रहा है। जो फुजला हमारे लिए गंदगी और बीमारियों की वजह बना हुआ था, वो अब हमारी माली तरक्की का जरिया बनेगा, यानी गोबर अब काश्तकारों के लिए सोना बनेगा। इससे उनकी आमदनी में इजाफा होगा और वो तरक्की करेंगे, यानी वेस्ट से वेल्थ और वेस्ट से तवनाई हमें माशी तौर पर मजबूत बनाएगी, हमारे घरों को रोशन करेगी।